एक बजा दी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता कोलंबर। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं बोरिंग का जो पानी आपका लेवल डाउन हो जाता है उसको कैसे चेक करें। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, नया बोरिंग हुआ है, इसमें सेक्शन पाइप डालना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर है, इसमें हैंड पंप अभी नहीं फिट होगा। अब इसमें डायरेक्ट सेक्शन पाइप से हम मोटर को फिट करेंगे। सबसे पहले आपको इसका लेवल चेक करना है कि कितना पे लेवल है, ताकि उसी हिसाब से आपको सेक्शन पाइप डालना है। सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, इसका लेवल देखने के लिए कि पानी का लेवल नीचे कितना है। हमने खोल दिए हुए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, एक आपके पास अगर सरिया अगर है, ऐसे रॉड आपको लेना है और देखिए धागे में आपको बांधना है। ऐसे आपको इसका लेवल चेक करना है। इसमें हम अंदर डालेंगे, तो हमने यहाँ पे इतना डाल दिए। जैसे कि हमने इतना डाले, लमसम 50 फीट का तक हम नीचे डाले हुए हैं। तो अब यहाँ से खींचेंगे इसको बाहर। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से तोड़ देंगे, इस धागे को हटा देंगे, इसको अब पूरा खींचेंगे। अच्छा होता है। अब आपको खींचते समय ध्यान देना है कि आपका जो धागा है वो कहाँ पे भीगा हुआ है। यहाँ पे भीगा हुआ है, देखिए यहाँ पे भीगा हुआ है। तो इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इतना, ये तो इतना पानी में चला गया, भीगा हुआ यहाँ तक है। देख सकते हैं हाथ हमारा गीला हो गया है, तो इसको हटा देंगे। अब ये जो सूखा हुआ है, इस धागे को हम नापेंगे। दोस्तों देख सकते हैं, हमने इसमें पाइप देखिए यहाँ पे फिट किए हुए हैं। तो इसमें 10 फीट का हमने तीन गो पाइप फिट किए हुए हैं। तो जो इसमें 22 फीट पानी नीचे है, इसका जो पानी का लेयर जो है वो डाउन है, वो 22 फीट नीचे पानी का लेयर है। तो इसमें जब 22 फीट आपका लेयर नीचे है, तो इसमें आपको सेक्शन पाइप 40 फीट डाला जाएगा। इसमें सेक्शन पाइप 40 फीट डाला जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसमें तीन वो पाइप को हमने फिट किए हुए हैं और एक पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें हम चार पाइप डालेंगे, यानी सेक्शन पाइप हम चार को डालेंगे इसमें। और देखिए सेक्शन पाइप डालने में आपको सामान लगेगा। यहाँ सेक्शन पाइप डालने के लिए आपका रिवेसर सॉकेट है 2 इंच बाई 1 इंच का, और ये नेपल है, एक छाव का लॉन्ग थ्रेड नेपल है, इसमें इसे फिट करेंगे। और ये ब्रास FABT है, ये ऐसे, और इसमें सेक्शन पाइप को फिट करके नीचे लटकाया जाएगा। तो चलिए पहले हम पाइप को फिट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने चार वो पाइप को फिट किए हुए हैं, यानी 40 फीट हम सेक्शन पाइप डाल रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो 22 फीट नीचे है। इसमें हम 40 फीट पाइप को डालेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का फिटिंग जो होता है वो आपको पहले करना है।
सकते हैं दोस्तों, पूरा हमारा ऑलरेडी फुल फिटिंग हो चुका है। अब चलिए इसको पाइप में फिट करते हैं। इसमें फिट हो गया। और हमारा ये जो फुट वाल्व है, ये हमारा 1 इंची का फुट वाल्व है और हम 1 इंची ही सेक्शन पाइप डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि CPVC ही सेक्शन पाइप हम डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको आपको चेक करना है। अगर ये टाइट अगर है तो आपको स्प्रिंग निकाल कर ही फिट करना है, नहीं तो पानी आपका ज़्यादा नहीं उठाएगा, बहुत कम पानी फेंकेगा अगर ये टाइट रहेगा तो। चलिए इसको पहले हम MABT जो है उसमें फिट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने इसमें फुट वाल्व में MABT फिट कर चुके हैं और इसको डालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 इंची का बोरिंग हुआ है, नीचे 1.5 इंची है और 80 फीट 2 इंची पाइप डाला हुआ है। चलिए अब पाइप को पहले हम पूरा लेंथ को छत पे खींचते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप 10-10 फीट करके ऐसे डालते जाइएगा और पाइप को फिट करते जाइएगा। यहाँ पे जगह है इसीलिए हमने पहले एक साथ ही फिट कर लिए हैं। जहाँ पे अगर जगह नहीं है वहाँ पे आप 10-10 फीट करके पाइप को फिट कर सकते हैं। सबसे नीचे फुट वाल्व को फिट करना है, हमने फुट वाल्व को फिट कर दी। अब इसमें पाइप को हम डाला जाए। दोस्तों देख सकते हैं अब हम पाइप को अंदर की तरफ बोर में डाल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने 40 फीट डाल दिए और इसी तरह से आप जो लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाउन लेवल कितना है बोरिंग के अंदर। आप कैसे उसको लेवल को चेक कीजिएगा, तो जैसे हमने धागे से बांधकर चेक किए हैं कि कितना पे लेवल है। अब चलिए हमने इसको फिट कर दिए, तो आप पानी को चेक करते हैं कि वाल्व हमारा कैसा है और पानी का लेयर प्रेशर कितना आ रहा है। तो ऐसे आपको अप डाउन पहले करना है ऐसे। देख सकते हैं कितना आराम से पानी आ रहा है और कितना प्रेशर से आ रहा है। अगर इस तरह का अगर पानी फेंकेगा तो आपको मोटर पानी देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी बिल्कुल रुका हुआ है, पानी नीचे नहीं भग रहा है, यानी फुट वाल्व हमारा बिल्कुल सही है। तब यहाँ पे हम इसको ऐसे अब फिट करते हैं। उसके बाद एक इसमें MTA फिट करेंगे। ये देख सकते हैं मोटर, ये आपका क्रॉम्पटन का मोटर है। ये आप देख सकते हैं मिनी मास्टर 1 है, ये बहुत अच्छा मोटर है। ये आपका 1 KV का मोटर है और ये आपका 5 मंजिल तक पानी चढ़ाएगा। इसके देखिए इसमें और तरह का मोटर भी आते हैं, इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बहुत तरह का कंपनी मोटर बनाती है। तो
दोस्तों देख सकते हैं हमने बैंड को तैयार कर चुके हैं। ये एक पौना का बैंड है और देखिए इसमें जो सील लगा रहता है, जो कंपनी से सील करके आता है, इसको आपको निकाल लेना है। पहले तोड़ कर ऐसे करके आपको निकाल लेना है। ये क्लियर हो गया, अब उसके बाद इसको फिट करना है। और आपको इस भाग में रखना है या इस भाग में रखिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूनियन फिट किए हुए हैं, ताकि आपको जब जरूरी पड़े तो मोटर को यहाँ से खोल सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे टेम्पररी फिटिंग किया जा रहा है, अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह आपको ले आके यहाँ फिट करना है। देखिए इसी तरह आपको फिट कर लेना है और फिट खोल के हटाने हैं तो यहाँ से आप खोल के हटा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह बस मोटर हट गया आपका, ये फिटिंग यहीं पे रह जाएगा, फिर मोटर हट जाएगा, फिर लाकर ऐसे फिट कर सकते हैं। चलिए अब मोटर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने ऑलरेडी फिट कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए तार भी कनेक्शन कर चुके हुए हैं। अब स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको पानी डालना है। यहाँ पे पानी पैक हो गया, चलिए यहाँ मोटर को ऑन करते हैं। वहाँ तक ने पूरा दिया और नजदीक। दोस्तों देख सकते हैं हमारा मोटर का फिटिंग ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। सेक्शन पाइप डाल के हमने मोटर फिट किए हुए हैं, इसमें आपका हैंड पंप नहीं कटा हुआ है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे।